लेट्स डिस्कस द हर्निया इन सर्जरी। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। हर्निया क्या होता है? विस्कस का प्रोट्रूजन होता है या पार्ट ऑफ विस्कस का जो उसकी वॉल के थ्रू आता है। वॉल उस विस्कस को कंटेन करती है ना, उस वॉल के थ्रू विस्कस का प्रोट्रूजन हो जाता है तो उसको हम हर्निया बोलते हैं। देन इसका डायग्राम है। अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया में कैसा रहता है? पहले तो डायग्राम में हम ये देख लेते हैं कि हर्निया में होता क्या क्या है। पहले तो सैक होता है ऊपर, फिर कंटेंट्स होते हैं, देन एक पार्ट डिफेक्ट का होता है। जो पार्ट डिफेक्टेड रहता है, जहाँ पे गैप रहता है, उसको हम डिफेक्ट बोलते हैं। देन ये डिस्टल बॉवल भी मार्क्ड है। ये बॉवल कंटेंट जब रहता है तो उस केस में रहता है। देन अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया और ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, दो टाइप्स के हर्निया होते हैं। तो अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? फर्स्ट तो वो रिड्यूसिबल होता है, रिड्यूसिबिलिटी उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। दूसरा कफ इम्पल्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। देन यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी और रिड्यूसिबिलिटी में डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। कंप्रेसिबिलिटी अलग चीज़ होती है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है कि हमने किसी चीज़ को, किसी स्ट्रक्चर को प्रेस किया तो वो प्रेस हो गया, कंप्रेस हो गया, लेकिन वो स्पॉन्टेनियसली फिल हो जाएगा अगेन अगेन, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन को गेन कर लेगा, तो उसको हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। तो ऐसा लिम्फोमा और हिमेंजियोमा के केस में होता है। बट रिड्यूसिबिलिटी क्या होता है कि वो रिड्यूस्ड ही रहेगा अगर हमने किसी स्ट्रक्चर को प्रेस किया तो, जब तक कि काउंटर फोर्स उसमें ना लगे। मान लो कोई इम्पल्स नहीं आया, स्ट्रेन नहीं हुआ और पेशेंट ने खुद नहीं लगाया, हमने खुद से उसको वापस अपने पोजीशन पे नहीं लाया, तब तक कि वो रिड्यूस ही रहेगा, तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिबिलिटी। सो रिड्यूसिबिलिटी अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। देन है ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। तो ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया में क्या रहता है कि डिस्टल बॉवल ऑब्स्ट्रक्टेड रहता है। इसमें क्या रहता है, इरिड्यूसिबल रहता है, ये रिड्यूस नहीं होता है और कफ इम्पल्स भी इसमें नहीं होते। कफ करने पे, अगर पेशेंट को कफ करने हम बोलेंगे तो उस स्ट्रक्चर की मूवमेंट नहीं होती है जिसको हम चेक कर रहे हैं। बट ब्लड सप्लाई जो है ना कंटेंट्स की, वो इंटैक्ट रहती है इसमें। नाउ इनकार्सरेटेड हर्निया क्या होता है? इसमें लार्ज बॉवल कंटेंट होता है और ये ऑब्स्ट्रक्टेड रहता है। देन है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। इसमें क्या रहता है, ऑब्स्ट्रक्टेड रहता है ये, साथ में कॉम्प्रोमाइज्ड ब्लड सप्लाई भी हो जाता है। इसके पहले हमने देखा था कि कंटेंट्स की जो ब्लड सप्लाई है वो नॉर्मल थी, पर इसमें वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। देन प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज इतना हो जाता है जिससे कि ब्लड सप्लाई और आर्टेरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई दोनों ही ब्लॉक हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज ब्लड सप्लाई हो जाता है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया के केस में। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया इसलिए उसको बोलते हैं। और सारे ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया स्ट्रैंगुलेटेड होता है जब तक कि वो अदरवाइज प्रूफ ना किए जाए। देन है टैक्सिस। तो टैक्सिस क्या होता है, हर्निया के रिडक्शन के प्रोसेस को टैक्सिस बोलते हैं। फोर्सफुल टैक्सिस अवॉइड करना होता है ऑब्स्ट्रक्टेड और स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में। क्यों अवॉइड करना होता है? क्योंकि डेड बबल होता है उसमें, यानी कि उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो इसकी वजह से डेड बॉवल जो है ना वो इनसाइड पुश हो जाता है अगर हम इसको टैक्सिस करते हैं तो। और हमें फिर पूरे एब्डोमिन में सर्च करना पड़ेगा डेड बॉवल के लिए, उसको रिमूव करना है अगर तो, तो हमारे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको नहीं करते हैं टैक्सिस। देन कंटेंट्स क्या हो सकते हैं हर्निया में, उसके बेसिस पे ये दो टाइप्स पे डिवाइडेड है, दैट इज़ ओमेंटोसील एंड एंटरोसील। तो ओमेंटोसील में जो कंटेंट होता है वो होता है ओमेंटम, एंड सेकेंड एंटरोसील में जो कंटेंट होता है वो होता है बॉवल। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि ओमेंटोसील और एंटरोसील में क्या क्लिनिकल डिफरेंस है। तो क्लिनिकली ये कैसे डिफरेंशिएटेड होते हैं इसको हम देखते हैं, ओमेंटोसील और एंट्रोसील में डिफरेंस। सो इंस्पेक्शन में ओमेंटोसील में ऐसा कुछ खास नहीं है, पर एंट्रोसील में विजिबल पेरिस्टाल्सिस दिखता है। देन ओमेंटोसील का पाल्पेशन करने पे उसकी डफी कंसिस्टेंसी दिखेगी और एंट्रोसील में ऐसा कुछ नहीं रहेगा। देन ओमेंटोसील को फर्स्ट पार्ट को रिड्यूस करना इजी होता है, जबकि सेकेंड पार्ट को रिड्यूस करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ओमेंटोसील में सेकेंड पार्ट ना
मेसी हो जाता है थोड़ा सा, तो जिसकी वजह से उसके सेकेंड पार्ट को रिड्यूस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, जबकि एंड्रोसील में फर्स्ट पार्ट को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है और सेकेंड पार्ट इजी रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट पार्ट में एयर फिल हो जाती है, और सेकेंड पार्ट को तो हम पहले ही रिड्यूस करते हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट में एयर फिल हो जाती है उसके बाद। देन पर्कशन में क्या होता है, मेंटोसील में डल नोट मिलता है और एंड्रोसील में टिम्पैनिक नोट मिलता है। देन ऑस्किल्टेशन, ऑस्किल्टेशन में ओमेंटोसील में कुछ खास नहीं मिलेगा और एंट्रोसील में बॉवल साउंड्स प्रेजेंट रहेंगे। नाउ मैकस डाइवर्टिकुलम भी एक कंटेंट हो सकता है हर्निया में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लिटर्स हर्निया। बेसिकली ये फोर टाइप्स में डिवाइडेड है कंटेंट्स के बेसिस में। दो टाइप्स हमने ओमेंटोसील एंट्रोसील पहले देख लिया, अब बाकी दो हम अभी देख रहे हैं। तो मैकस डाइवर्टिकुलम वाला जो कंटेंट रहता है वो थर्ड टाइप है, और अपेंडिक्स अगर कंटेंट रहेगा तो वो फोर्थ टाइप का हर्निया है, जिसको बोलते हैं अमेयेन्ड हर्निया। तो अपेंडिक्स अगर कंटेंट रहता है तो अमेयेन्ड हर्निया हम उसको बोलते हैं। देन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ हर्निया है, तो इसमें क्या क्या देखेंगे हम। फर्स्ट हर्नियोटोनी है, तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल हर्निया का डायग्राम है, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं हम सैक को आइडेंटिफाई करके हम उसको कंटेंट्स को पुश करते हैं इनसाइड में, और फिर कुछ सर्जन्स ऐसा भी करते हैं कि वो सैक को ओपन कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में तो यही, हमने सैक को आइडेंटिफाई करके कंटेंट्स को अंदर पुश कर दिया। तो ये एरोज दिखा रहे हैं कि हम कंटेंट्स को पुश कर रहे हैं। देन सेकेंड स्टेप ये जो राइट साइड वाले डायग्राम में दिखाया है, तो इसमें अगर सैक ओपन है तो ये क्लोज किया जाना चाहिए और रिड्यूस भी किया जाना चाहिए। तो अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं डिफेक्ट को, तो डिफेक्ट का कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसको हम हर्नियोटोनी बोलते हैं। इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि इसमें रिकरेंस रेट सबसे ज़्यादा होता है। वैसे ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहता है कंजुनाइटल इंग्वाइनल हर्निया के लिए और सेकेंड कंजुनाइटल हाइड्रोसील के लिए हर्नियोटोनी। देन हर्नियोरेफी, हर्नियोरेफी क्या होता है, इसमें 1+2 स्टेप तो हर्नियो टोनी जैसा ही रहेगा, यानी कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया सैक को और कंटेंट्स को पुश कर दिया इनसाइड, और सेकेंड स्टेप सैक को ओपन कर अगर किया है तो उसको क्लोज और रिड्यूस कर दिया। देन थर्ड स्टेप इसमें क्या होगा कि दो एजेस को भी हम सूचर कर देंगे, डिफेक्ट के जो दो एजेस है ना उसको एक साथ सूचर कर देंगे। अब इसमें क्या होगा कि अगर डिफेक्ट वाइड है तो उसमें टेंशन ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मान लो हम कोई पेपर को भी एक स्टेपल से जोड़ते हैं और उसमें ज़्यादा डिफेक्ट है एक पेपर में, तो वो पेपर के फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे फेलियर के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। किस केस में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर क्या होता है, इंक्रीज टेंशन इन रिपेयर। तो अगर टेंशन ज़्यादा है रिपेयर में तो फेलियर के चांसेस ज़्यादा है, यानी कि अगर डिफेक्ट वाइड है तो। इसका एग्जांपल होता है बेसिनी शोल्डिस और नेओ, नियो वेंट्रल हर्निया में के केस में होता है, और बेसिनी इनग्वाइनो स्क्रोटल हर्निया के केस में किया जाता है। ये इंडिकेटेड कब रहता है हर्नियोरेफी, इन्फेक्टेड और स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया के केस में, क्योंकि ये मैश यूज़ नहीं कर सकते हैं उस केस में इसलिए। नाउ हर्नियोप्लास्टी क्या होता है, तो इसके स्टेप्स में 1+2 तो सेम रहेगा, आइडेंटिफिकेशन सैक का और कंटेंट्स को इनसाइड पुश करना, एंड सेकेंड स्टेप सैक को रिड्यूस करना और क्लोज करना। देन थर्ड स्टेप क्या होगा हर्नियोप्लास्टी में, हम इसमें ना मैश डाल देते हैं डिफेक्ट के ऊपर। तो हमने एक मैश डाल दिया, इसमें लीस्ट रिकरेंस रेट होता है क्योंकि हमने उसको पूरी तरीके से ठीक कर लिया है, और टेंशन फ्री रिपेयर भी होता है क्योंकि हमने सूचर भी नहीं किया है। इसका एग्जाम्पल होता है लिश्टेनस्टीन टेंशन फ्री मैश हर्नियोप्लास्टी, ये इसका एग्जाम्पल है। नाउ मेश मटेरियल सिंथेटिक और बायोलॉजिकल दो टाइप्स के हो सकते हैं। तो सिंथेटिक में क्या क्या आता है, एक तो प्रोलिन मेश आता है, पॉलीस्टर आता है, ये सब आते हैं। सिंथेटिक मेश अवॉइड किया जाता है जब इन्फेक्शन इन्फेक्टेड हर्निया होता है या स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया होता है तब, और बायोलॉजिकल मेश को यूज़ किया जा सकता है जब इन्फेक्शन हो तब भी। ये डिफरेंस है इसमें। तो बायोलॉजिकल का एग्जाम्पल क्या है, ई सेल्यूलर ह्यूमन डर्मिस जिसको एलोडर्म भी बोलते हैं, और ए सेल्यूलर पोसिन डर्मिस भी इसका एग्जाम्पल है। नाउ सिंथेटिक में क्या है, अल्प्रो अल्सरिल
प्रोलिन इसका एग्जाम्पल है, PTFE है, और दो हमने पहले ही देखा था, प्रोलिन मेश और पॉली ईस्टर। ना सॉलिड मेशेस वर्सेस नेट मेश, दो टाइप के मेश होते हैं सिंथेटिक मेश में भी। तो सॉलिड मेशेस और नेट मेश में क्या डिफरेंस होता है? सॉलिड मेशेस जो होते हैं ना, वो फिक्स कर लेते हैं अपने आप को सूचर्स या स्टेपलर्स के साथ, मतलब सूचर्स स्टेपलर्स की ज़रूरत होती है, और क्योंकि कोई फाइब्रस टिश्यू नहीं होता इसलिए सूचर्स की ज़रूरत होती है। नेट मेश में क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू पोर्स के थ्रू फॉर्म हो जाता है इसलिए उनमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है सूचर्स की, वो प्लेस में रह सकते हैं, अपनी जगह पे रह सकते हैं बिना सूचर्स के भी या स्टेपलर्स के बिना, तो बेटर एंकर्ड हो जाते हैं वो। नाउ मटेरियल कैसा होता है? सॉलिड मेशेस का मोस्ट कॉमनली प्रोलिन होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से रेजिस्ट करता है, इसलिए वो बैक्टीरिया फ्री रहता है मोस्टली। अगर इन्फेक्शन रहता है तो उसको रिमूव करना फिर भी इम्पॉर्टेंट होता है, मान लो अगर आ गया तो। नाउ पॉलीस्टर हाइड्रोफिलिक होता है, पॉलीस्टर का भी बनता है ये सॉलिड वाला, तो इसमें हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, पर ये ड्यू टू रैपिड टिश्यू इनग्रोथ ना इसके चांसेस फिर भी कम हो जाते हैं। सो ये हमने हर्निया का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे।